हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। दिस इज यश, योर टेक मेट। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईकू की तरफ से लॉन्च होने वाले नए स्मार्टफोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आईकू की तरफ से आईकू जी सीरीज का नया स्मार्टफोन आईकू Z8 5G बहुत ही जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। प्रॉबेबली ये जो स्मार्टफोन है अगस्त के एंड में या सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में लॉन्च कर दिया जाएगा। एंड ये जो स्मार्टफोन है आपको इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं आईकू Z8 से जुड़ी सारी चीजों के बारे में, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन है मल्टीपल सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पर देखा गया है, प्लस इस स्मार्टफोन से जुड़े र्यूमर्स भी आने लगे हैं। तो आज की वीडियो में बात करते हैं कि क्या क्या पॉसिबल स्पेसिफिकेशन यहां पर आपको मिल सकते हैं, क्या र्यूमर्स हैं, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन हैं, किस प्राइस पॉइंट पर ये फोन आना चाहिए, सारी चीजें डिस्कस करते हैं। बस एंड ऑफ द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बातचीत को। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको प्लास्टिक मिलेगी एज ऑलवेज। आईकू जी सीरीज में अभी तक हमको प्लास्टिक ही मिला है, एंड यहां पर भी आपको प्लास्टिक बिल्ड मिलेगा। प्लास्टिक का बैक रहेगा, प्लास्टिक का फ्रेम रहेगा, ग्लास फ्रंट आपको मिलेगा। प्रोबेबली फ्रंट में आपको शॉर्ट सेंसेशन ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलेगा, एंड साथ ही साथ IP54 की रेटिंग यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्ड क्वालिटी आपको अच्छी मिलने वाली है, बिल्ड क्वालिटी में आपको शिकायत नहीं आएगी। एंड डिजाइन की अगर बात करें तो कोई भी ऑफिशियल रेंडर्स अभी तक निकल करके नहीं आए हैं, लेकिन डिजाइन लैंग्वेज की अगर बात करें तो वही टॉप लेफ्ट में आपको कैमरा सेटअप मिलेगा, जहां पर पॉसिबली आपको दो कैमरास की हाउसिंग रहेगी। साथ ही में आपको LED फ्लैश देखने के लिए मिलेगा, साथ ही में आईकू की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। एंड फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो सेंटर पंचोल वाला आपको डिस्प्ले मिलेगा, पतले पतले से बेजल्स होंगे, पतली से चिन आपको देखने के लिए मिलेगी। एंड कलर्स की बात करें तो ब्लैक कलर में, ब्लू कलर में, ऑरेंज कलर में, तीन कलर ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दिखने में स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा, बिल्ड क्वालिटी आपको बढ़िया मिलने वाली है, बिल्ड एंड डिजाइन में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली है। बात करेंगे डिस्प्ले के बारे में तो बताया जा रहा है कि 6.64 इंचेस का डिस्प्ले यहां पर आपको मिलेगा, जो कि मेरे हिसाब से अच्छे साइज का डिस्प्ले है। कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा रहेगा, साथ में इनहैंड फील भी जो है वो ठीक ठाक रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा बल्कि आपको नहीं लगेगा। एंड सिंगल हैंड यूसेज भी आपका ठीक ठाक तरीके से हो जाएगा। तो 6.64 इंचेस का यहां पर आपको डिस्प्ले मिलेगा, जहां पर आपको फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलेगा, एंड 10 बिट का IPS LCD पैनल मिलेगा। जी हां, AMOLED यहां पर आपको नहीं मिलने वाला है। इस फोन के साथ में आपको पॉसिबली IPS LCD पैनल मिलेगा, 10 बिट का पैनल रहेगा, मतलब कलर्स आपको भरपूर मिलेंगे। 1.07 बिलियन के आसपास आपको कलर्स मिलेंगे, कलर प्रोफाइल बढ़िया रहेगी, व्यूइंग एंगल्स बढ़िया रहेंगे, कंटेंट वॉचिंग का एक्सपीरियंस ओवरऑल आपका अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, HDR10 HDR10 प्लस का भी सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मेरे हिसाब से कंटेंट वॉचिंग में आपको शिकायत नहीं आएगी, कंटेंट वॉचिंग बढ़िया रहने वाली है। साथ ही साथ 20:9 का एस्पेक्ट रेशो रहेगा, 396 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी। एंड ब्राइटनेस की अगर बात करें तो समवेयर अराउंड 950 निट्स के आसपास आपको ब्राइटनेस मिलेगी, मतलब इंडोर विजिबिलिटी भी बढ़िया रहेगी, आउटडोर विजिबिलिटी भी बढ़िया रहेगी, डायरेक्ट सनलाइट में भी इजीली आप यूज कर पाएंगे, तो ब्राइटनेस में शिकायत नहीं है। साथ ही साथ यहां पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा, एंड 1000 हर्ट्ज का इंस्टेंट टच सैम्पलिंग रेट यहां पर आपको मिल सकता है। सो ओवरऑल अगर डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें, डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। बस एक कंप्लेंट आप कर सकते हैं कि AMOLED होता तो और ज्यादा बेटर रहता, लेकिन IPS LCD कोई खराब पैनल नहीं होता भाई, मेरे हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी बढ़िया मिलने वाली है। नाउ परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो इंडिया में किसी एक प्रोसेसर की भाई वेव आती है, मतलब जब Dimensity 1200 आया तो 1200, जब Dimensity 920 आया, 1080 आया, तो बहुत सारे फोन हमको उस पर देखने के लिए मिले। एंड अभी इंडिया में वेव चल रही है Qualcomm Snapdragon 782G प्रोसेसर की, OnePlus Nord CE3 में हमको देखने को मिला। एक और स्मार्टफोन है भाई साहब शायद Oppo की तरफ से, जहां पर हमको ये प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, K11 आई थिंक उसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। एंड यहां पर भी आईकू Z8 के अंदर भी आपको Qualcomm Snapdragon 782G मिलेगा। अच्छा प्रोसेसर है, 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है, एनर्जी एफिशिएंट है, हीटिंग का इशू आपको कम देगा, थर्मल मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा। थर्मल मैनेजमेंट को और ज्यादा बेटर बनाने के लिए यहाँ पर आपको डेडिकेटेड कूलिंग चेंबर भी देखने के लिए मिलेगा, ये काफी अच्छी बात है। हीटिंग वगैरह का इशू यहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। रॉ CPU परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो 2.7 GHz की मैसिव क्लॉक स्पीड आपको मिलती है। एंड यहाँ पर आपको ARM Cortex A78 वाले कोर्स मिलते हैं, मतलब डे टू डे की जो परफॉर्मेंस है लिटरली गाइस आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। मल्टीटास्किंग आपकी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी,
जाएगी। तो सीपीयू परफॉर्मेंस में शिकायत नहीं है, गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए Adreno 642 L GPU मिलेगा जो कि बढ़िया गेमिंग भी आपको करा देगा। 60 FPS की गेमिंग आराम से आप कर पाएंगे, नो फ्रेम ड्रॉप्स, नो लैग्स, आराम से आप गेमिंग कर पाएंगे। साथ ही साथ वीडियो एडिटिंग करनी है, इमेज एडिटिंग करनी है, रेंडरिंग की जो स्पीड है वो भी आपको बढ़िया मिलेगी। तो ग्राफिक रिलेटेड टास्क के लिए भी ये जो प्रोसेसर है काफी सही है। प्लस LPDDR5 RAM यहां पर आपको मिलेगा एंड UFS 3.1 वाला स्टोरेज आपको मिलेगा। सो मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलेगी भाई, परफॉर्मेंस में आपको बिल्कुल भी शिकायत नहीं आने वाली है। नाउ कैमरास की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको प्रोबेबली दो कैमरास का सेटअप पीछे की तरफ मिलेगा, जहां पर प्राइमरी कैमरा रहेगा 64 मेगापिक्सल का, यहां पर आपको सैमसंग का सेंसर देखने के लिए मिल सकता है एंड OIS का सपोर्ट भी यहां पर आपको मिलेगा। सो प्राइमरी कैमरा तो बढ़िया मिलने वाला है, आउटपुट भी अच्छे आएंगे, आईक्यू की ट्यूनिंग भी डिसेंट रहती है तो वहां शिकायत नहीं आएगी। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का छोटू आपको मिलेगा डेप्थ सेंसिंग के लिए। दो कैमरास पीछे की तरफ रहेंगे, 4K वीडियो आप रिकॉर्ड कर पाएंगे 60 FPS पर एंड सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल सकता है एंड सेल्फी कैमरा से आप 1080 पिक्सल में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल अगर कैमरा सेटअप की बात करें, कैमरा सेटअप डिसेंट है, 2 मेगापिक्सल के और छोटू चिपका भी दिए जाते हैं तो कोई काम के नहीं रहते भाई। तो मेरे हिसाब से कम कैमरास दिए गए हैं लेकिन काम के कैमरास दिए गए हैं, तो मेरे हिसाब से कैमरा सेटअप में आपको शिकायत नहीं आएगी। बात करेंगे बैटरी के बारे में, 5000 mAh की बैटरी यहां पर आपको मिलेगी, तो अच्छे साइज की बैटरी है। हालांकि यहां पर IPS LCD का पैनल दिया गया है, 120 Hz का आपको रिफ्रेश रेट मिलता है, प्लस यहां पर आपको 6 नैनोमीटर का चिपसेट मिलता है, 5000 mAh की बैटरी है, तो कॉम्बिनेशन डिसेंट है। बैकअप आपको डिसेंट मिल जाएगा, मतलब एक दिन का बैकअप नॉर्मल यूसेज पर आप निकाल पाएंगे, वहां शिकायत आपको नहीं आएगी। लेकिन चार्जिंग स्पीड की अगर बात करेंगे तो बताया जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है 120 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करेगा और 120 वाट का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, मतलब क्रेजी फास्ट चार्जिंग आपको मिलेगी। चार्जिंग स्पीड में आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी, बैकअप अच्छा आपको मिलेगा, चार्जिंग स्पीड अच्छी है, चार्जर इनबॉक्स मिलेगा, तो बैटरी से और क्या चाहिए भाई। बैटरी मॉड्यूल सॉलिड मिलने वाला है, बैटरी में आपको बिल्कुल शिकायत नहीं आएगी। चार्ज करने के लिए USB टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, 3.5mm जैक भी यहां पर आपको मिलेगा, ये काफी अच्छी बात है। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करेंगे तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर रहेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिलेगा, शूटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर्स मिलेंगे, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, लाइट सेंसर, कंपास, फलाना ठिकाना सब मिलेगा भाई, कोई कमी नहीं मिलेगी। सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे, एंड्रॉइड 13 के ऊपर आपको फोन मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में आपको मिलेगा फन टच OS 13। तो एंड्रॉइड का वर्जन आपको लेटेस्ट मिलेगा, फन टच OS का वर्जन आपको लेटेस्ट मिलेगा। फन टच OS के साथ में केवल एक समस्या मुझे लगती है कि ब्लोटवेयर्स रहते हैं एंड वी एप्स करके आता है, जिसको अगर आप डिसेबल कर देते हैं तो एड्स वगैरह भी बंद हो जाते हैं। उसके बाद में फन टच OS का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहता है, फीचर्स वगैरह आपको बहुत अच्छे मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर के एक्सपीरियंस में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी, सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहने वाला है। हाँ, हल्के फुल्के ट्विक्स आपको करने पड़ेंगे। बात करेंगे स्पीकर के बारे में तो बताया जा रहा है कि सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर यहां पर आपको मिलेंगे, और ये एक कमी मुझे लगती है कि भाई साहब 20-22 हज़ार का फोन अगर आप लॉन्च करते हैं तो डुअल स्टीरियो स्पीकर देना चाहिए एंड पॉसिबली यहां पर आपको सिंगल स्पीकर मिलेंगे, हो सकता है भाई डुअल भी मिल जाए, 50-50 डाइसी सिचुएशन है। लेकिन हाँ, स्पीकर क्वालिटी आपको डिसेंट मिलेगी। एंड कार्ड स्लॉट की अगर बात करेंगे तो हाइब्रिड कार्ड स्लॉट यहां पर आपको मिलेगा, जहां पर 2 सिम कार्ड आप लगा पाएंगे या फिर 1 सिम कार्ड एंड मेमोरी कार्ड आप लगा पाएंगे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पेसिफिकेशंस काफी सही है एंड एज अ पैकेज फोन काफी अच्छा लग रहा है। प्लस परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फोन है, ज्यादा फोकस वैसे भी IQ का परफॉर्मेंस पर रहता है एंड यहां पर भी आपको परफॉर्मेंस तगड़ी मिलने वाली है। बताया जा रहा है कि ये जो फोन है इंडिया में 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया जाएगा। बेस वेरिएंट रहेगा 8GB प्लस 128GB, साथ ही में आपको मिलेगा 8 प्लस 256 एंड 12 प्लस 256 एंड सबसे सरप्राइजिंग चीज ये है कि जो रूमर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये जो स्मार्टफोन है इंडिया में अंडर 20K लॉन्च हो सकता है। एंड अगर ऐसा होता भाई दैट वुड बी ग्रेट, लिटरली ग्रेट, क्योंकि 20,000 के अंदर स्नैपड्रैगन 782G मिलना बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई। अगर 20 नहीं भाई 22,000 के प्राइस पॉइंट पर भी लॉन्च होता है तो आई वुड से कि गो फॉर डील रहेगी। नाउ आई एम प्रीटी मच एक्साइटेड कि ये जो स्मार्टफोन इंडिया में कब लॉन्च होता है, कितने प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होता है। लेकिन आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके क्या ओपिनियन है इस फोन के बारे में, कैसे हैं स्पेसिफिकेशंस, किस प्राइस पॉइंट पर ये स्मार्टफोन आप खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट करें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। दिस इज यश साइनिंग ऑफ, बाय बाय।